चांद के बारे में सबसे ज्यादा पॉपुलर साइंटिफिक थियोरी ये है कि हजारों साल पूर्व चांद पृथ्वी का ही एक हिस्सा था, जो किसी मंगल ग्रह जितने बड़े ऑब्जेक्ट के साथ टकराने के बाद पृथ्वी से अलग हो गया और इस तरह चांद की रचना हुई थी। लेकिन इसके उलट कई साइंटिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि चांद का अस्तित्व और उसका पृथ्वी के साथ किसी भी तरह का संबंध होना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, और जिसका सीधा मतलब यह निकलता है कि चांद दरअसल एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के हिसाब से एलियंस द्वारा हजारों साल पहले चांद बनाया गया था, और बहुत मुमकिन है कि आज की तारीख में भी चांद के अंदर एलियंस और उनसे जुड़ी बातें सबूत के तौर पर मौजूद हों, क्योंकि चांद पृथ्वी का नहीं बल्कि एक एलियन सैटेलाइट हो सकता है। जी हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से चांद अंदर से खोखला है। 1960 के दशक में जब यूएफओ देखे जाने की खबरें पूरी दुनिया से आ रही थी, उस वक्त नासा चांद के बारे में नई नई जानकारियां जुटा रहा था, और इसी काम को अंजाम देते हुए नासा का एक स्पेस यान करीब 6,115 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार के साथ चांद की ओर बढ़ने लगा, ताकि इस टक्कर से चांद की सतह और मिट्टी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन इस भयंकर टक्कर के बाद जो कुछ सामने आया उसने पृथ्वीवासियों के होश उड़ाकर रख दिए। उस भयंकर टक्कर की बदौलत चांद की सतह पर तकरीबन 30 फीट चौड़ा क्रेटर बन गया, और उसके बाद चांद पर भूकंप का सिलसिला शुरू हो गया जो कई घंटों तक चलता रहा। साइज्मिक रिकॉर्डर की मदद से जब इस भूकंप की रीडिंग्स नासा को मिलने लगी तो सभी का सिर चकराने लगा, क्योंकि भूकंप की वजह से चांद किसी घंटी की तरह कांप रहा था। अब सभी को शक हुआ कि कहीं चांद अंदर से खोखला तो नहीं है। अब वैज्ञानिक इस बात से परेशान थे कि अगर चांद अंदर से खोखला है तो यह एक नेचुरल ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, बल्कि हो ना हो यह एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो हजारों साल पहले एलियंस द्वारा बनाया गया था। मगर क्यों? तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।